क्या आप भी बिगनर हो? अभी अभी आपने जिम जाना स्टार्ट किया है, आप अच्छे से वर्कआउट भी कर रहे हो, पर आपको ये नहीं पता कि डाइट में क्या लेना चाहिए। तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी मसल बिल्डिंग में 70% रोल आपकी डाइट का होता है और 30% रोल आपके वर्कआउट का हुआ करता है। इसलिए वर्कआउट के साथ साथ एक प्रॉपर डाइट लेना बेहद ही आवश्यक है, और इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। तो जब भी आप सुबह सोकर उठते हो, सबसे पहले आपको अच्छे से फ्रेश हो जाना है, और फ्रेश होने के बाद आपको अपने दिन की शुरुआत एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ करनी है। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, और मसल बिल्डिंग के लिए आपकी पाचन शक्ति का मजबूत होना भी बेहद आवश्यक है। तो ये जो गुनगुना पानी है, इस मामले में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी पहली मील, जो कि रहेगी सुबह के टाइम पे 6:30 से 7 के बीच। इसमें आपको 4 अखरोट और 10 बादाम खाने हैं, जिससे आपकी बॉडी पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगी और आपको आलस बिल्कुल नहीं महसूस होगा। और इस मील को, जैसा कि मैंने बता दिया, आपको 6:30 से 7 या फिर 7:30 के बीच तक ले ही लेना है। फिर आपकी सेकंड मील आती है, जो कि सुबह टाइम पे 8 से 8:30 के बीच रहेगी। इसके लिए आपको रात में 50 से 100 ग्राम छोले वाले चने को फुला देना है, और सुबह टाइम पे उनको बॉईल कर लेना है। फिर आपको इसमें थोड़ा सा प्याज काट कर डाल देना है, और थोड़ी सी टमाटर भी डाल देना है, और स्वाद अनुसार इसमें आप थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर, और आपको अगर ठीक लगता है तो आप इसके ऊपर से नींबू भी निचोड़ सकते हो, ताकि ये थोड़ा सा स्वादिष्ट बन जाए। और फिर थोड़ी सी हरी धनिया भी काट कर डाल देना, ताकि इसमें फाइबर भी आ जाए। इस मील से आपको भरपूर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलने वाला है, जो कि वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी आप लोग खा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आती है आपकी थर्ड मील, जो कि 10 से 10:30 के बीच होगी। इसमें आपको फल खाना है, तो फल में आप लोग सेब, केला, अमरूद, अनार, ये सब खा सकते हो। बस जो भी फल खाओगे, जैसे कि आपने सेब लिया, तो आपको एक ही सेब लेना है और उसको काट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेब लिया और एक अमरूद लिया, तो आपको एक सेब एक अमरूद को लेकर काट लेना है, और उसे एक कटोरी में रखकर उसके ऊपर 5 मिलीलीटर बादाम का तेल डाल देना है। इसमें आपको अच्छे मात्रा में फाइबर मिल जाएगा, और उसके साथ साथ बादाम का तेल तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ठंड के मौसम में आपको कोई भी ठंडा फल नहीं खाना, और अगर आप ठंडे फल को खाते हो तो फिर आपको दोपहर में खाना है, और या तो उस वक्त पे खाना है जब एक अच्छी खासी धूप निकली हो। इसके बाद आता है लंच, जो कि 1 से 1.5 बजे के बीच रहेगा। इसमें आप 250 से 300 ग्राम या फिर आपकी जितनी कैपेसिटी, या तो आपको जितनी भूख हो उतना चावल लीजिए, और उस चावल के साथ आप लोग दाल भी खा सकते हो, या फिर कोई हरी सब्जी के साथ भी उस चावल को खा सकते हो, जैसे कि लौकी है, या तो भिंडी है, करेला है, ऐसे बहुत सी सब्जियां रहा करती। और अगर आप लोग इसके साथ प्रोटीन भी लेना चाहते हो, तो फिर आप लोग 150 से 200 ग्राम कच्चा पनीर भी ले सकते हो, और फाइबर की मात्रा पूरी करने के लिए एक खीरा जरूर रखिएगा। इसके बाद आती है आपके शाम की प्री वर्कआउट मील, यानी कि आप लोग शाम के वर्कआउट के पहले क्या खाओगे। तो एक चीज का ध्यान रखना है, इस मील को आपको शाम के वर्कआउट के 2.5 से 3 घंटे पहले ले लेना है, ताकि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, और जो भी एनर्जी आपकी बॉडी को मिलनी है वो आसानी से मिल जाए। तो इसमें आपको 200 ग्राम बॉइल्ड एग, 100 ग्राम भुने हुए चने, जो कि आसानी से आपको आपके होम में मिल जाएंगे, और अगर आपको आपके घर में ये नहीं मिल पाते, तो फिर ये चीज़ें मार्केट में भी अवेलेबल रहती हैं काफ़ी ही चीप रेट में। और आप इस मील के 2.5 से 3 घंटे बाद जिम जा सकते हो, और आधे घंटे या फिर 1 घंटे पहले, यानी कि अगर आपका जिम शाम का स्टार्ट होता है 6 बजे के आसपास, तो फिर आप 5 बजे के आसपास बीट रूट यानी कि शलजम का एक ग्लास जूस भी पी सकते हो, जिससे आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ पाएगी, और आप लोग आसानी से वेट लिफ्ट कर पाओगे। अब वर्कआउट के बाद आते हैं पोस्ट वर्कआउट मील, यानी कि आपको वर्कआउट के बाद क्या खाना है। तो इसमें आपको 2 केले लेने हैं, 1 चम्मच वे प्रोटीन। इंसान चाहे नॉन वेज हो चाहे तो वेज हो, दोनों लोग ही वे प्रोटीन ले सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। आपको वर्कआउट के 5 से 10 मिनट बाद ही वे प्रोटीन ले लेना है, और जहाँ तक हो सके, अगर आपका घर आपके जिम से दूर है, तो अपने घर से ही वे प्रोटीन को आप लोग लेके जाइए जिम, वहाँ से पानी लीजिए, और वे प्रोटीन को वर्कआउट के 2 से 3 मिनट बाद पी लीजिए। फिर 2.5 से 3 घंटे बाद आपका स्टार्ट होगा डिनर। इसमें आपको 60 ग्राम मूंग दाल छिलके वाली लेनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल से नेचुरल हो, यानी कि जो मूंग दाल है उसमें कोई सी पॉलिश ना हो, और अगर आप लोग उसको अपने खेत में उगाते हो, या फिर तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल से अमृत आप सबको मिलने वाला है।
मूंग दाल के साथ आपको रोटी लेनी है और फाइबर के रूप में आप खीरा ले सकते हो। और आपकी जो स्लीप साइकिल है वो बिल्कुल से परफेक्ट होनी चाहिए। सोने से पहले आप एक ग्लास दूध और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर पी सकते हो। रात को फिर आपको 11 बजे के आसपास तक सो जाना है और 6 से 7 आवर्स की एक परफेक्ट और प्यारी सी नींद लेनी है। और फिर सुबह टाइम पे जग के फिर से जो आपका रूटीन है उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। तो शुक्रिया दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त है जो कि बिगनर है तो उसके साथ भी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उस तक भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उसका भी एक प्रॉपर डाइट बन जाए और उसके भी जल्दी से बॉडी और एब्स बनने लग जाएँ। तो बाय बाय।